हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी बुक से चावल की रोटियाँ चैप्टर की क्विज। इससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कोको के माता-पिता खेतों में क्या काम करने गए थे? ऑप्शन देखेंगे, गेहूं बोने, धान लगाने या फिर आलू बोने। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। और हाँ, आप भी अपने आंसर अपनी नोटबुक में टिक करते रहिए और लास्ट में आप देखिएगा कि आपके कितने आंसर सही गए। सही जवाब है वो है धान लगाने। कोको के माता पिता खेतों में धान लगाने के लिए गए थे और उसकी मम्मी उसके लिए 4 चावल की रोटियां बनाकर गई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कोको कितने साल का था? ऑप्शंस देखेंगे, 5 साल का, 9 साल का या फिर 8 साल का। आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कोको जो था वो 8 साल का एक वर्मी लड़का था, तो इसका जो सही जवाब है वो है 8 साल। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अलमारी के ऊपर क्या सामान रखा था? केतली, फूलदान या फिर ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है ये सभी। अलमारी के ऊपर केतली, फूलदान, रेडियो और कुछ कप रखे हुए थे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोको की माँ ने कोको के लिए नाश्ते में क्या बनाया था? ऑप्शंस देखेंगे, आलू के पराठे, चावल की खीर या फिर चावल की रोटियां। इसका जो सही जवाब है वो है चावल की रोटियां। इस चैप्टर का नाम भी चावल की रोटियां हैं। अगर हम आपसे पूछे कि कोको की माँ ने कोको के लिए नाश्ते में कितनी चावल की रोटियां बनाई थी, तो उसका सही जवाब है 4 रोटियां। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कमरे के बीच फर्श पर क्या बिछा था? ऑप्शंस देखेंगे, चटाई, दरी या फिर गलीचा। जो सही जवाब है वो है चटाई। कमरे के बीच में फर्श पर चटाई बिछी थी और उस पर एक छोटी मेज रखी हुई थी जिसकी ऊंचाई कम थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोको के घर में सबसे पहले कौन आता है? ऑप्शंस देखेंगे, निनी, मिमी या फिर तिनसु। जो सही जवाब है वो है निनी। कोको के घर में सबसे पहले निनी आता है जो कि 9 साल का होता है। वो कोको का दोस्त होता है और वो क्या करने आता है? वो रेडियो पर सूचना सुनने के लिए आता है जो कि परीक्षा के विषय में होने वाली थी। और मिमी कौन है? मिमी जो है वो 7 साल की एक लड़की है और तिनसु भी 8 साल का है। कोको भी 8 साल का है और तिनसु, निनी और मिमी ये सभी कोको के दोस्त हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोको ने तश्तरी कहाँ छुपाई थी? फूलदान के पीछे, रेडियो के पीछे या फिर अलमारी के अंदर। तो यहाँ पर हम ये प्रश्न में करेंगे कि कोको ने तश्तरी पहली बार कहाँ छुपाई थी, क्योंकि उसको अपनी चावल की रोटियां बचानी थी तो वो बार बार उसको छिपा रहा था। ऑप्शंस देखेंगे, फूलदान,
फूलदान के पीछे, रेडियो के पीछे या फिर अलमारी के अंदर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, रेडियो के पीछे। कोको ने तश्तरी पहली बार रेडियो के पीछे छुपाई थी, क्योंकि वो जैसे ही चावल की रोटियां खाने के लिए बैठता है तो दरवाजे पर निनी दस्तक दे देता है। वो ये चाहता है कि निनी उसकी रोटियां ना खा ले, तो इसीलिए वो उसको रेडियो के पीछे छुपा देता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निनी रेडियो पर क्या सुनने आया था? निनी रेडियो पर क्या सुनने आया था? ऑप्शंस देखेंगे। परीक्षा के बारे में विशेष सूचना, कक्षा अध्यापक का भाषण या फिर गाना सुनने। इसका जो सही जवाब है वो है परीक्षा के बारे में विशेष सूचना सुनने के लिए आया था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पहली बार दरवाजे पर कौन दस्तक देता है? ऑप्शंस देखेंगे। निनी, तिनसु या फिर मिमी। इसका जो सही जवाब है वो है निनी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। मिमी कोको के लिए क्या लेकर आई थी? ऑप्शंस देखेंगे। चावल की रोटियां, आलू के चिप्स या फिर केले के पापड़। इसका जो सही जवाब है वो है केले के पापड़। मिमी कोको के लिए केले के पापड़ लेकर आई थी, जो कि मिमी की माँ ने बनाए थे। लेकिन कोको ये कहकर इनकार कर देता है कि उसका पेट भरा हुआ है, उसने चावल की रोटियां खा ली हैं, अब उसे भूख नहीं है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तिनसु कोको के घर क्या लेकर आता है? ऑप्शंस देखेंगे। सूरजमुखी के फूलों का गुच्छा, गुलाब के फूल या फिर गेंदे के फूलों का गुच्छा। इसका जो सही जवाब है वो है गेंदे के फूलों का गुच्छा। कोको तिनसु के हाथों में फूलों का गुच्छा देखकर उसे फूलदान में रखने को मना कर देता है, क्योंकि उसने उस समय फूलदान में रोटियां छुपा दी थी। वो ये कहकर झूठ बोलता है। वो कहता है कि इन फूलों से उसकी माँ को एलर्जी है और उसके शरीर पर फुंसियाँ निकल आती हैं। वो चावल की रोटियाँ खाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता है। एक झूठ को छुपाने के लिए कई बार बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, इसीलिए झूठ नहीं बोलने चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। ऊ बातुन कौन थे? इसको हम इस तरह से अलग अलग लिखेंगे। ऊ बातुन कौन थे? ऑप्शंस देखेंगे। दुकान के मैनेजर, कोको के पिता या फिर कोको के दोस्त। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, दुकान के मैनेजर। कोको की माँ ऊ बातुन से फूलदान लेकर आई थी। कोको की माँ को नीले रंग का फूलदान चाहिए था, लेकिन उस समय उबातुन को नीले रंग का फूलदान दिखाई नहीं देता, तो वो वहाँ से गुलाबी रंग का फूलदान उठा लाई थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोको की माता को किस रंग का फूलदान चाहिए था? ऑप्शन देखेंगे। नीला, गुलाबी या फिर लाल। इसका जो सही जवाब है वो है नीला। कोको की माता को नीले रंग का फूलदान चाहिए था, लेकिन उस समय वो उबातुन को मिलता नहीं है, तो वो उसको गुलाबी फूलदान दे देता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नेकी और पूछ पूछ मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शंस देखेंगे। कोई अच्छा काम करने के लिए पूछना, पूछ कर काम करना, गाय की पूछ पकड़ कर भागना। इसका जो सही जवाब है वो है कोई अच्छा काम करने के लिए पूछना। नेकी और पूछ पूछ एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कोई
अच्छा काम करने के लिए पूछना। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोको का कमरा कैसा था? ऑप्शंस देखेंगे, सादा, अच्छा या फिर बड़ा। इसका जो सही जवाब है वो है सादा। हमने पाठ के शुरुआत में ही पढ़ा कि जो कमरा था वो सादा था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। गुड़गुड़ की आवाज कहाँ से आ रही थी? ऑप्शंस देखेंगे, पापड़ से, चूहे के कुतरने से, कोको के पेट से। इसका जो सही जवाब है वो है कोको के पेट से। जब बच्चों आपको या आपके घर में बड़ों को भी भूख लगती है तो पेट से एक अजीब तरह की गुड़गुड़ की आवाज़ आती है ना? और उस समय क्या बोलते हैं? उस समय बोलते हैं कि हमारे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। और हाँ, आप मुझे ये ज़रूर बताइए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही हो? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोको दूसरी बार रोटियां कहाँ छिपाता है? ऑप्शंस देखेंगे, अलमारी के ऊपर, चटाई के नीचे, या फिर फूलदान में, या फिर रेडियो के पीछे। तो इसका जो सही जवाब है वो है फूलदान में। कोको दूसरी बार रोटियों को फूलदान में छिपाता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोको कितने साल का था? ऑप्शंस देखेंगे, 6 साल का, 7 साल का या फिर 8 साल का। तो कोको जो था वो 8 साल का एक वर्मी लड़का था। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा कि कोको बार बार झूठ पर झूठ बोलता है, और बार बार झूठ बोलने से लास्ट में क्या होता है कि उसको चावल की रोटियां खाने को ही नहीं मिलती। उबातन उस फूलदान को ही उठा कर ले जाता है जिसमें उसने रोटियां छुपाई थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोको चाय की केतली के साथ कितने कप उठा कर लाया? ऑप्शंस देखेंगे, 2, 4, 3 या फिर 6। इसका जो सही जवाब है वो है 2। कोको चाय की केतली के साथ 2 कप उठा कर लाया था, एक अपने लिए और दूसरा मिमी के लिए, क्योंकि मिमी को उस समय केले के पापड़ खाने थे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोको गुड़गुड़ की आवाज़ को किसकी आवाज़ बताता है? ऑप्शंस देखेंगे, चूहे की आवाज़, बिल्ली की आवाज़ या फिर कुत्ते की आवाज़। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, चूहे के कुतरने की आवाज। कोको कहता है कि ये आवाज जो है वो रोज चूहा करता है, जबकि आवाज उसके पेट से आ रही होती है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तीसरी बार दरवाजे पर कौन दस्तक देता है? ऑप्शंस देखेंगे, मिमी, उबातुन, तिनसु या फिर निनी। तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तीसरी बार दरवाजे पर कौन आता है। पहली बार आती है निनी, फिर कौन आता है, तिनसु या फिर मिमी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तिनसु उबातिन को कितने पापड़ देता है? 1, 2 या फिर 4। तिनसु उबातुन को 1 पापड़ देता है, और वो पापड़ किससे बना होता है? वो पापड़ बना होता है
केले से। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। उबातुन क्या लेकर चला जाता है? तो जो उबातुन होता है वो अलमारी लेकर जाता है, फूल लेकर जाता है, रेडियो या फिर रोटियों वाला फूलदान। उबातुन रोटियों वाला फूलदान लेकर जाता है। अब रोटियों वाला फूलदान क्यों? क्योंकि उस फूलदान में कोको ने चावल की 4 रोटियां छुपा कर रखी थी। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने मार्क्स बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।